ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपनी लाइफ से बोर हो जाता है और कॉल बॉय की नौकरी करने लगता है। तो अब आगे इसके साथ क्या क्या होता है ये हम आज की मूवी कॉल बॉय में देखेंगे। तो कहानी की शुरुआत में हमें रियो नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक बार में काम करता है ताकि वो अपनी यूनिवर्सिटी की फी को पे कर सके। लेकिन अपनी लाइफ के डेली रूटीन से अब वो काफी थक चुका था और वो अपनी लाइफ से बोर भी होने लगा था। अब एक दिन जब वो अपना काम कर रहा होता है कि तभी उसका फ्रेंड तारुशिमा उस बार की ऑनर सुजुका के साथ उस बार में आता है और बातों बातों में उन दोनों फ्रेंड्स के बीच कंपटीशन लग जाता है कि सुजुका के लिए बेस्ट रिंग कौन बना सकता है। साथ ही तारुशिमा रियो को सजेस्ट भी करता है कि तुम मेरी तरह ड्रिंक बनाना सीख लो ताकि लड़कियों को तुम पसंद आओ, जिस पर रियो कहता है कि लड़कियां मुझे काफी बोर करती है। फिर तब सुजुका दोनों की ड्रिंक्स को टेस्ट करती है तो उसे तारुशिमा की ड्रिंक ज्यादा पसंद आती है तो वो तारुशिमा को अपने साथ चलने के लिए कहती है। लेकिन जाने से पहले वो एक कार्ड रियो के लिए छोड़ जाती है जिसके पीछे लिखा था कि मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगी। फिर थोड़ी देर बाद रियो जब बाहर जाता है तो उसे वहां पर सुजुका मिलती है जिसके साथ वो उसके घर चला जाता है। रास्ते में वो थोड़ी बहुत बातें करते हैं और सुजुका उसे अपने घर के अंदर लेकर आती है जहां पर रियो को ऐसा लगता है कि शायद वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। तो रियो अपना शर्ट निकालते हुए पूछता है कि क्या पहले तुम स्टार्ट करोगी, कि तभी पीछे से एक लड़की आती है जो कि बचपन से ही गूंगी और बहरी होती है लेकिन वो लिप्स को पढ़ सकती थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लड़की सुजुका की बेटी होती है जिसका नाम सारुका होता है। सुजुका रियो से कहती है कि मैं तुम्हारा परफॉर्मेंस देखना चाहती हूँ ताकि तुम मेरे लिए काम कर सको, जिसके बाद वो उसे अपनी बेटी के साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है और वहीं बैठकर उन दोनों को देखते रहती है। स्टार्टिंग में रियो को तो काफी अजीब लगता है पर वो जैसे तैसे अपने काम को फिनिश कर देता है, जिसके बाद सुजुका उसे $10 देते हुए कहती है कि तुम इससे भी अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, जिसके बाद वो उसे अपने क्लब को ज्वाइन करने के लिए कहती है जहाँ पर वो काफी अच्छे खासे पैसे भी कमा सकता था लेकिन उसे कॉल बॉय का काम करना होगा, जिसके लिए सुजुका उसे सोचने के लिए एक दिन का समय भी देती है, जिसके बाद रियो अपने घर चला जाता है। उसे वहां पर एक लेटर मिलता है जो कि सारुका ने उसके लिए भिजवाया था। लेटर के अंदर लिखा था कि लास्ट नाइट मैंने काफी इंजॉय किया, अगर मौका मिले तो हम एक बार फिर से जरूर मिलेंगे। और फिर ये पढ़कर वो उस क्लब को ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाता है और अगले ही दिन वो उस क्लब को ज्वाइन कर लेता है जहाँ सबसे पहले उसका फोटोशूट किया जाता है, जिसके बाद सुजुका उसे शॉपिंग कराती है और एक जगह पर ले आती है जहाँ उसकी मुलाकात हिमांशी नाम के एक लड़के से होती है जो कि खुद भी एक प्लेबॉय है। सुजुका बताती है कि हिमांशी हमारे VIP कस्टमर्स के लिए है जिसकी डिमांड औरतों के बीच काफी ज्यादा है, जिसके बाद सुजुका उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराती है और हिमांशी कहता है कि पता नहीं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़का मुझसे भी काफी आगे तक जाएगा। अब अगले दिन रियो का ब्लड टेस्ट किया जाता है और उसे उसका पहला काम दे दिया जाता है जहां पर वो औरत उसे पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। साथ ही वो ये भी पूछती है कि अपने से ज्यादा उम्र की औरतों के साथ तुम्हें कैसा लगता है। तो रियो कहता है कि मैं जब उनसे प्यार करता हूँ तो मैं उनके सामने खुद को एक बच्चा समझता हूँ, मुझे बचपन से ही अपने से ज्यादा उम्र की औरतें पसंद है, मुझे नहीं पता कि औरतें खुद को एज से कंपेयर क्यों करती है। और फिर ये सुनकर वो औरत चुपचाप वहाँ से जाने लगती है और ये देखकर रियो काफी कंफ्यूज होने लगता है कि इसका मतलब वो क्या समझे। लेकिन तभी उसे सुजुका का कॉल आता है जो उसे बताती है कि वो औरत उसे फिर से कल के लिए बुक करके गई है। और फिर अगले दिन ये दोनों फिर से मिलते हैं और कई सारी बातें करते हैं। उस औरत को रियो की बातें काफी पसंद आती है और फिर एक होटल में जाकर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब उसी रात रियो सुजुका से मिलने के लिए उसके घर जाता है जहाँ पर वो उसे उसके काम के पैसे देते हुए कहती है कि उस औरत को तुम काफी पसंद आई। और यहाँ वो रियो को और दो काम भी देती है और पूछती है कि तुम्हें कैसा लगा, जिस पर रियो कहता है कि मुझे औरतों को जानने का मौका मिल रहा है। फिर अगले दिन रियो फिर से एक औरत से मिलता है जो उम्र में उससे काफी बड़ी थी। उसे रियो की मासूमियत काफी पसंद आती है, रियो औरत की फीलिंग्स और इमोशन को समझने लगा था, जिससे इम्प्रेस होकर वो औरत उससे अपने घर लेकर आती है जहाँ पर वो खूब सारी बातें करते हैं, जिस चक्कर में वो औरत उसके साथ इंटीमेट भी नहीं होती। अब अगले दिन सुजुका रियो के साथ डिनर पर जाती है जहाँ साथ में उसकी बेटी सारुका भी होती है। सुजुका रियो को बताती है कि उसके क्लाइंट्स ने बताया कि जब वो तुम्हारे साथ होती है तो वो अपने एज डिफरेंसेस को भूल जाती है, उसे ऐसा लगता ही नहीं है कि वो किसी छोटे लड़के के साथ है। इस पर रियो कहता है कि जब मैं 10 साल का था तभी उसकी माँ 37 साल की थी और तभी उनकी मौत भी हो गई, जिसका जिम्मेदार रियो खुद को ही मानता है। तो तब से उसे उस एज की औरतों को खुशी देने में खुशी मिलती है और जब कोई औरत मुझे बताती है कि मैं 37 साल की हूँ
तो मैं उन्हें इमोशनली कनेक्ट कर लेता हूँ। जिसके बाद रियो अपनी माँ को याद करते हुए रोने लगता है तो सुजुका उसे अपने गले से लगा लेती है। अब अगले दिन रियो अपने दूसरे क्लाइंट कपल के पास जाता है जहाँ पर वो आदमी व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था। वो रियो को अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है। वो आदमी रियो से जैसा कहता है वो वैसा ही करता है और वो आदमी उन दोनों की वीडियोस भी बनाता है। और फिर आखिर में वो दोनों रियो की परफॉर्मेंस से काफी खुश होते हैं और वो उसे एक्स्ट्रा बोनस भी देते हैं, जिसके चलते रियो का प्रमोशन भी हो जाता है और उसे भी वीआईपी क्लाइंट्स मिलने लगे थे। अब एक दिन रियो जब बार में होता है तो उसकी फ्रेंड मेगुमी उससे मिलने आती है जो उसे कॉलेज में नोट्स दिया करती थी। उसे इस बात का पता चल चुका था कि रियो कॉल बॉय की जॉब करने लगा है, जिससे वो उसके ऊपर काफी गुस्सा होती है कि वो इस गलत काम में कैसे चला गया। वो उसे समझाने की काफी कोशिश करती है पर वो उसकी एक भी नहीं सुनता, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। अब अगले दिन रियो को उसकी एक नई क्लाइंट मिलती है जो कि एक ओल्ड लेडी थी जिसका आज बर्थडे भी था। उस लेडी के अंदर एक ऐसी पावर थी कि वो किसी के भी मन की बात को जान सकती थी। तो वो रियो का हाथ पकड़ कर कहती है कि तुम जो चाहो मुझे बता सकते हो, लेकिन रियो कुछ बोल पाता इससे पहले वो लेडी उसके हाथ को पकड़कर खुद को सेटिस्फाइड महसूस करने लगती है, जो बात रियो को काफी अजीब भी लगती है। अब इसके बाद वो सुजुका के पास आता है जो उसे बताती है कि तुम काफी हार्ड वर्क कर रहे हो तो तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो, जिस पर रियो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ, जिस पर सुजुका उसे एज डिफरेंसेस के बारे में बताती है, लेकिन रियो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो उसके पास जाकर उसे किस करने लगता है लेकिन सुजुका उसे अपने से दूर कर देती है। फिर तभी सारुका वहाँ पर आ जाती है तो रियो कहता है कि वो सारुका के साथ फिर से उस टास्क को करना चाहता है, जिस पर सारुका भी हाँ कह देती है। फिर तभी सुजुका को उसके क्लाइंट का कॉल आता है तो वो रियो को उसके पास भेज देती है। लेकिन जब रियो अपने क्लाइंट के पास पहुंचता है तो वो काफी शॉक हो जाता है क्योंकि वो उसकी ही फ्रेंड मेगुमी होती है जो कि उसे कॉलेज में नोट्स दिया करती थी। मेगुमी कहती है कि तुम तो काफी एक्सपेंसिव हो, तुम्हें बुक करने में मेरी पूरे एक मंथ की सैलरी चली गई। और ये कहते हुए वो उसके पास जाती है और वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। मेगुमी कहती है कि मैं तुमसे पहले से ही प्यार करती थी लेकिन अब तो तुम मुझसे काफी दूर जा चुके हो, जिस पर रियो कहता है कि तुम मुझे कभी भी बुक नहीं कर सकती, और ये कहकर वो रोने लगता है। अब काम पूरा होने के बाद वो सुजुका के पास जाता है जहाँ पर वो उसे बताती है कि वो HIV पॉजिटिव है, जिसके चलते वो उसके साथ वो नहीं कर सकती जो वो चाहता है। एक समय में वो भी कॉल गर्ल का काम किया करती थी लेकिन प्रिकॉशंस लेने के बाद भी वो प्रेग्नेंट हो गई और उसे सारुका हुई, लेकिन उसे HIV भी हो गया। लेकिन रियो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं, कि तभी सारुका भी वहां पर आ जाती है जो सुजुका से कहती है कि ठीक है आज मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। जिसके बाद रियो सुजुका की बेटी सारुका के साथ टेस्ट देने लगता है, जिसे देखकर सुजुका भी एक्साइटेड होने लगती है। अब अगले दिन रियो जब एक बार में होता है तो सारुका उसके लिए सुजुका का मैसेज लेकर आती है जिसके अंदर लिखा था कि पुलिस को हमारे काम के बारे में सब कुछ पता चल चुका है लेकिन चिंता मत करो मैंने सारा डेटा डिलीट कर दिया है, जिसके चलते तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही मैंने तुम्हारी माँ के बारे में भी पता लगाया कि तुम्हारी माँ भी कॉल गर्ल का काम किया करती थी, और ये बात मुझे गार्ड से पता चली जहाँ तुम्हारी माँ जाया करती थी, और तुम्हारी माँ की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुआ था ना कि तुम्हारी वजह से, तो खुद को ब्लेम करना बंद करो। फिर आखिर में ये लिखा था कि अगर मैं जिंदा रही तो सारुका मैं और तुम साथ रहेंगे। अब अगले सीन में रियो उस ओल्ड लेडी के पास पहुंचता है जो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे कहानी सुनाने लगती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। अब आखिर में हम देखते हैं कि सारुका एक कंपनी में जॉब करने लगी थी और रियो अपने कॉल बॉय की जॉब को जारी रखता है। एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।